सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। या जो वीडियो ही बना के देन लग रहे हैं भाई भाइयों खातर, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है इसमें। और उससे पहले अपने जो शहरी लोग जो इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, वह अपने बालकों ने जरूर दिखाइयो कूप के वो है। जब लामणी हो जाए उसके बाद जब गेहूँ अलग निकट जाए और उसमें तो तूड़ी बने है, तो तूड़ी इस कूप में गाली जावे है। इसमें मतलब भीतर नू समझ लो तूड़ी पैक कर रखी है। तो अरे इसे ढंग तक जमा कसू तो डाल बांध रखा, ये कूप बना दिया जाए। देखते रहो तम इसके अंदर तूड़ी है। और जब अपना घर डांगरा खातर जरूरत पड़ती रहे हैं, अपना किसान भाई आवे इसमें तो तूड़ी काट दे रहे हैं और सेफ रहे नू समझ लो तूड़ी का लोकर है यू या कैसे कहाँ। तो बड़ी जो खबर है भाई, एक घणिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वह यह है अरविंद शर्मा जो लोकसभा प्रत्याशी है भाजपा का रोहतक थे ओट सीट थे, उसकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना उसने पड़ गया। नुका आ रहे हैं बोला राजनीति में कि बरा कौन सी चीज़ किस टाइम सेज जाए, तो उसके आप जो सेधन वाली बात हो रही उसकी खुद के पुराने बयान और पार्टियां का जो बदलने का जो सिलसिला था वह खुद उसने सेधन लग रहे हैं। बड़ी बात यह है, थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी उसकी, जी बसपा था वो कैंपेन करा था जुलाना में, तो बार बार आरोप लाओ था भाई जींद का कुछ नहीं कराया, उड्डा और ने सारा कुछ रोहतक का कराया, दीपेंद्र ने सारा कुछ काम रोहतक में सारा डेवलपमेंट कर दी, वह बात उसने खुद महंगी पड़ गई। और दूसरी जो एक और वीडियो जो हम देखने लग रहे हो गले गले, इसने बाद में पले भी होगी अपने चैनल पर देखियो इसने गले गले भाई, अपने खुद के बयान खुद की वीडियो लिकड़ लिकड़ का आने लग रही है किस टाइम की, जिस टाइम वो उड्डा का मतलब खुद जब करनाल से चुनाव लड़ा था और उड्डा भूपेंद्र उड्डा उस टाइम कैंपेन कर गए थे करनाल में, और भाई कसुत्ते कसीते पढ़ रखे हैं भूपेंद्र उड्डा की तारीफ में अरविंद शर्मा ने मूल कौन ने जंगा को नहीं पैरी। क्यों? क्योंकि खुद के बयान है ना तो पलट सकता ना मुकर सकता। और वीडियो हाँ भाई कुआं बीएसपी में था जी रोहतक के, खूब वो कसीदे गाए भाई ओड़े रोहतक का काम कराया, इन्हें और किते का काम नहीं कराया। और ई भूपेंद्र उड्डा जी उसकी कैंपेन मारा था करनाल में, तो यह पुरानी वीडियो आई सामने लिखड़ के, तो बहुत कसूती तारीफ करके भूपेंद्र उड्डा की भाई। अरे बीच तक ना मुकर सकता, उसने दिक्कत हो रही है भाई, मैं जाऊँ खड़े कई कहूँ के ना कहूँ कसू तो डाल कसम कसम फंस गया अरविंद शर्मा। वीडियो सुनो ध्यान से, देखो अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र उड्डा के बारे में कितनी गजब गजब की बात कह रखी है जो उसकी फांस बन गई खुद। देखो भाई सुनो वीडियो में किक गया अरविंद शर्मा ने। किस तरह से उड्डा साहब ने 36 बरादरी को साथ लेकर के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब से किसी भी जाति से सबके लिए, आप और हम बैठ करके अगर सोचे थोड़े से ठंडे दिमाग से, थोड़ी देर बैठ करके अगर हम विचार करें तो इतना काम कर दिया है कि 100 साल में भी कोई कर नहीं सकता, इतना काम गहराई से कर दिया। तो भाई आपसे मेरी प्रार्थना है, देखो किसी ने सोचा था कि भी किसान खेत में काम करते करते उकसुक हो जाए, वो करंट लग गया तो और उकसुक हो जाए, 5 लाख रुपए का मुआवजा, ये किसकी सोच? मोटा साहब। और उसके साथ किसान के साथ साथ मजदूर भी खेत में काम करता है, खेती और मजदूर, उसके साथ उकसुक हो जाए 5 लाख का मुआवजा, उसके पशुधन का नुकसान हो जाए 50,000 रुपए का मुआवजा, बुजुर्गों को 1,000 रुपए की पेंशन, किसी देश में किसी ने सोची? वो सोच सकता है इतनी गहरी बात? तो मेरे कहने का मतलब है इतनी सोच आम लोगों के लिए हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की है वो किसी पार्टी किसी नेता की नहीं हो सकती। तो